हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एजुकेबल। और आप सबका स्वागत है फिर से हमारी एक नई शानदार वीडियो में। जैसे कि आप लोग को थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि आज की जो वीडियो होने वाली है वो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट, जो कि है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ आईआर, दैट मींस इंटरनेशनल रिलेशंस। और इंटरनेशनल रिलेशन से क्वेश्चंस हमेशा आते हैं, चाहे वो आपका एमए एंट्रेंस हो, यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हो, डीएसएससी का एग्ज़ाम हो, या फिर यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम्स में आईआर से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। और इवन मैं प्रीवियस कुछ डेज से आपको क्वेश्चन पेपर्स की एनालिसिस करवा रही हूँ, जिसमें मैंने पहले आपको ड्यू के पेपर का एनालिसिस करवाया था और अभी हाल फिलहाल में मैंने आपको जामिया के पेपर का एनालिसिस करवाया था। मैंने देखा कि मैंने जो अपनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो अपलोड की थी और जो आईआर की थ्योरीज की वीडियो अपलोड की थी, उनमें से डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रखे थे। मुझे लगा कि मुझे ये वीडियोस को कंटिन्यू करना चाहिए, बिकॉज इनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस जो एग्जामिनेशन में आ रहे हैं, मुझे बच्चों ने खुद कमेंट करके बताया है कि उनको मेरी ये वीडियोस देखने से कितना हेल्पफुल हुआ। और उन्होंने जो भी एग्ज़ाम दिए अभी हाल फिलहाल में, जिन भी यूनिवर्सिटीज़ के हो चुके हैं एमए के एंट्रेंस के एग्जामिनेशन, उनमें स्टूडेंट्स ने मुझे एक्सपीरियंस से बताया है कि उनको डायरेक्ट क्वेश्चंस मेरी वीडियो से देखने को मिले हैं। प्लीज़ अगर आपने मेरी सारी की सारी वीडियोज़ अब तक नहीं देखी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जाके ज़रूर देखना, और जो भी मैंने प्रीवियस ईयर पेपर्स के एनालिसिस करवा रखे वो जाके ज़रूर देखना, बिकॉज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी जो है बार बार रिपीटेडली जो है रिपीट हो रहे हैं अलग अलग डिफरेंस एंट्रेंस में, बिकॉज सारे के सारे एंट्रेंस एनटीए ही करवाती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। और अगर आपने अभी तक हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ वहाँ पे ज़रूर ज्वाइन कर लेना, बिकॉज मैं वहाँ पर आपको डेली के एमसीक्यू करवाती हूँ एमए एंट्रेंस के लिए, और साथ ही साथ जो भी करंट अफेयर्स होते रहते हैं, बिकॉज करंट अफेयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर एनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। करंट अफेयर्स आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं हमेशा हर एग्जामिनेशन में, तो वो भी आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और जो भी मेरी वीडियोज़ की पीडीएफ होगी, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ है, और जो भी मेरे प्रीवियस पेपर के एनालिसिस की वीडियो हैं, उन सारी की सारी पीडीएफ को मैं टेलीग्राम में ऑलरेडी अपलोड कर देती हूँ, तो प्लीज़ वहाँ पे भी ज्वाइन कर लेना अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज इस वीडियो में मैं किस टाइप के क्वेश्चंस को लेने वाली हूँ। इस वीडियो में ऑलमोस्ट मैं 9 to 10 क्वेश्चंस को लेने वाली हूँ, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो 9 से 10 क्वेश्चन मैं आपको बताने वाली हूँ। मैं उन 9 क्वेश्चन के जो भी वो होंगे ऑप्शंस होंगे, उनके बारे में आपको पूरी की पूरी एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगी, जिससे कि अगर उनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बनकर आता है तो आप उसको भी आंसर कर सको। ये वीडियो एनालिसिस का मतलब है कि एनालिसिस का मतलब होता है कि जो एंट्रेंस के जो भी क्वेश्चन के प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसके जो ऑप्शन नहीं हुए उनके बारे में भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, ताकि उनमें से कोई क्वेश्चन कभी बनकर आए तो आप उसका आंसर करने के लिए हमेशा रेडी रहो। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो, बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज वीडियो इज, हु इज नॉट वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल्स ऑफ रियलिज्म इन आईआर फॉर्मुलेटेड बाय मॉर्गेन्थो। मैंने हंस जे मॉर्गेन्थो के बारे में आपको जो अपनी आईआर की थ्योरीज हैं उस पर बहुत अच्छे से पढ़ाया है आपको मैंने मॉर्गेन्थो के बारे में, कि वो एक रियलिस्ट थिंकर हैं। उनकी बुक भी पढ़ाई है आपको, जो उनकी बुक है पॉलिटिक्स अमंग नेशंस, उन्हीं में उन्होंने जो है रियलिज्म के 6 प्रिंसिपल दिए हैं आईआर को बताते हुए। आईआर का मतलब इंटरनेशनल रिलेशन को समझाते हुए उन्होंने 6 प्रिंसिपल्स दिए हैं। तो उन 6 प्रिंसिपल में से इनमें से कौन सा गलत लिखा हुआ है आपको वो बताना है। आप इसको पॉज करके अच्छे से पढ़ सकते हो, एक बार मैं भी आपके लिए रीड कर देती हूँ। रैशनल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव लॉज दैट हैव देयर रूट्स इन ह्यूमन नेचर। ऑब्वियसली बात सही है, बिकॉज उन्होंने यही कहा था कि ह्यूमन नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। देन सेकेंड है आपका ग्लोबल पॉलिटिक्स इज इंटरप्ले ऑफ नेशनल इंटरेस्ट डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ पावर। ये भी सही है, उन्होंने बोला था कि नेशनल इंटरेस्ट को उन्होंने टर्म्स ऑफ पावर में डिफाइन किया था। देन थर्ड, नीड ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन टू अटेन नेशनल इंटरेस्ट, इस पर हम अभी बाद में डिस्कस करते हैं। देन फोर्थ है, इन प्रोटेक्टिंग देयर नेशनल इंटरेस्ट स्टेट्स आर नॉट बाउंड बाय एब्स्ट्रैक्ट यूनिवर्सल मॉरल प्रिंसिपल्स। ये भी बिल्कुल सही है, बिकॉज उन्होंने कहा था ऐसे कोई भी मॉरल वैल्यूज जो हैं, जब ये नेशनल इंटरेस्ट की बात आती है तो कोई भी मॉरल वैल्यूज जो है स्टेट पर अप्लाई नहीं होती हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर वो है आपका सी, द नीड ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन टू अटेन नेशनल इंटरेस्ट। द राइट आंसर इज सी। लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच फेमिनिस्ट थिंकर इन आई आर रीफॉर्मुलेटेड 6 प्रिंसिपल्स ऑफ रियलिज्म बाय मॉर्गेन्थो।
मैंने जब अपनी आईआर की वीडियो में थ्योरीज पढ़ाई थी आपको, तो मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया था कि सिक्स प्रिंसिपल जो मॉर्गन थोनी आईआर के लिए यानी कि इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए जो फॉर्मुलेट किए थे, उसमें एक फेमिनिस्ट थिंकर ऐसी थी जिनका मानना था कि सारे के सारे जो प्रिंसिपल हैं वो मेल डोमिनेटेड हैं, यानी कि मेल के पर्सपेक्टिव को शो करते हैं, लाइक वॉर वगैरह, क्योंकि वुमेन जो है हमेशा पीस चाहती है, तो वो इनको रिफॉर्मुलेट करती है एक फेमिनिस्ट व्यू से, बिकॉज उनका मानना था कि सारे के सारे जो छह प्रिंसिपल हैं वो मस्कुलिनिटी को शो करते हैं, वो एक फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव को शो नहीं करते। सो उसने जो छह प्रिंसिपल्स को दोबारा से फेमिनिज्म पर्सपेक्टिव से फॉर्मुलेट किया, वो थी हमारी ऑप्शन ए, J.A. टिकनर। ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको आप स्टार मार्क कर लो, बिकॉज इतनी बार आ चुका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में, और ये आपके लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, बिकॉज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थिंकर हो जाती हैं व्हेन इट्स कम टू मॉर्गेंथोज प्रिंसिपल। ओके, लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु कॉइन्ड द टर्म सिक्योरिटी कम्युनिटी एज अ ग्रुप ऑफ स्टेट्स दैट एन्जॉय रिलेशंस ऑफ डिपेंडेबल एक्सपेक्टेशंस ऑफ अ पीस। अब सबसे आपको समझना है कि सिक्योरिटी कम्युनिटी होती क्या है। सो इसका मीनिंग होता है कि सारे के सारे जितने भी इंटरनेशनल स्फेयर में जो स्टेट्स हैं वो मिलकर एक ऐसी कम्युनिटी का निर्माण करें, एक ऐसी कम्युनिटी को बिल्डअप करें जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पीस हो, कोई भी वॉर या कन्फ्लिक्ट ना हो। तो ये जो वर्ड का कंसेप्ट था वो दिया था कार्ल ड्यूश ने। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीट हो चुका है, सो प्लीज़ आप इसको ध्यान रखना। लेकिन ये इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ, बट ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिक्योरिटी कम्युनिटी का जो कंसेप्ट है वो आईआर में किसने दिया। ओके, लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम्स वॉज नॉट मैंशन बाय रोजवेल्ट। सो रोजवेल्ट कौन थे? रोजवेल्ट थे US के एक्स प्रेजिडेंट। तो उन्होंने एक स्पीच दी थी जिसमें उन्होंने, जब वर्ल्ड वॉर चल रहे थे, वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2, सो उस टाइम पर उन्होंने एक स्पीच दी थी जिसमें उन्होंने बताया था कि हम वर्ल्ड को इन चार फ्रीडम से फ्री रखना चाहते हैं। सो उसमें था फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ वर्शिप, फ्रीडम फ्रॉम फियर, एंड फोर्थ था आपका फ्रीडम फ्रॉम वॉन्ट। सो ये चार फ्रीडम थी जिन्होंने बोला था कि हमें वर्ल्ड में सबके लिए, एवरी इंडिविजुअल के जो है अवेलेबल करनी है। सो इसमें जो गलत हो जाता है वो है आपका फ्रीडम अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन। ये एक मॉडर्न कंसेप्ट है, ये उस टाइम पर नहीं था, ये तो आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी बाद में जाके लिखा गया है। बट जो उन्होंने अपनी स्पीच में चार फ्रीडम बताई थी वो ये तीन थी, और फोर्थ थी फ्रीडम फ्रॉम वॉन्ट। सो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये UGC नेट में ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ रखे हैं, सो प्लीज़ इनको ध्यान से ध्यान रखना, ठीक है? बिकॉज हो सकता है कि डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएँ, बिकॉज NT क्या करती है, काफ़ी सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो UGC नेट से डायरेक्ट उठा के दे देती है। इसलिए मैंने मोस्टली ट्राई किया है कि मैं UGC नेट से जो अच्छे क्वेश्चन हैं, जो MA के जो पेपर है उसमें डाले जा सकते हैं, मैंने उनको बेसिकली लिया है, ताकि वो जब एज इट इज सेम क्वेश्चन आए तो आप उनको टैकल अप कर सको। लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आर करेक्ट। सो WTO एक UN की एजेंसी है, UN यानी कि यूनाइटेड नेशंस। तो आपको बताना है कि उसमें से जो टू स्टेटमेंट्स हैं वो WTO की रिगार्डिंग कौन सी सही हैं। इट इज़ द ओनली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस डीलिंग विद ग्लोबल ट्रेड रूल्स बिटवीन नेशंस। इट वॉज इस्टेब्लिश इन 1996। तो ये तो पहली गलत हो जाता है, बिकॉज वो 1995 में इस्टेब्लिश हुआ था, जो कि GATT का ही एक अलग से नया रूप था। GATT होता है ट्रेड एंड टैरिफ को, जो इंटरनेशनल वर्ल्ड में जो ट्रेड एंड टैरिफ्स हो रहे थे उनको मैनेजमेंट के लिए बनाया गया था, बट वो एक तरीके से फेल हो गया था। देन उसको रीफॉर्मुलेट करके एक नए तरीके से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, जो कि 1995 में बनाया गया था। तो यहाँ पे तो ईयर आपको दे दिया है, वो गलत है। इट्स हेडक्वार्टर इज इन जेनेवा, ये बिल्कुल ठीक है। इट एम्प्लॉयज़ सम 680 स्टाफ, ये भी गलत है, बिकॉज वो 600 कुछ और स्टाफ होते हैं उसके, लेकिन 680 पर्टिकुलरली नहीं होते हैं। सो इसके लिए जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो है एंड सी, ठीक हो जाते हैं। सो ए और सी लिखा हुआ ऑप्शन टू में, सो आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2। सो इस क्वेश्चन से आपको क्या सीखने को मिल रहा है? इस क्वेश्चन से आपको सीखने को मिल रहा है कि आपको UN की जो एजेंसीज़ हैं उनका इस्टेब्लिशमेंट, उनका जो वर्किंग है, उनका जो हेडक्वार्टर है, इवन उनके जो हेड हैं वो भी आपको, यानी कि जिनके सेक्रेटरी होते हैं वो भी आपको पढ़ के जाने हैं। यही मेरा मकसद है इस वीडियो को बनाने का, ताकि मैं आपको ये समझा सकूं कि आपको किन किन चीज़ों पे फोकस करना है, जिनमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, एक डेट रिलेटेड, किसी नाम रिलेटेड, मतलब इनमें आपको कोई ज़्यादा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ 5 से 10 मिनट में आपको ये चीज़ें जो है याद हो जाएंगी। सो लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन।
सो क्वेश्चन नंबर 6 इज इन विच ईयर यूनेस्को वॉज सेटअप. अगेन यूएनसी क्वेश्चन है. बिकॉज मैंने यूएनसी क्वेश्चन इसलिए लिए हैं बिकॉज ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो हर पेपर में आते हैं, हर पेपर में बेसिकली. ठीक है, सो ये तो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है. यूएन आपको अच्छे से पढ़ लो चाहे रट लो, ये मतलब यूएन से तो क्वेश्चन 100% आता है, ये कन्फर्म है. बिकॉज यूएन से चाहे वो किसी भी टाइप से रिलेट करके दें, चाहे वो डिस्क्रिप्टिव टाइप में दें या फिर कोई उसका ईयर पूछ लें, इस्टेब्लिशमेंट ईयर पूछ लें, उसका वर्किंग पूछ लें, उसका हेडक्वार्टर पूछ लें, लेकिन आता ज़रूर है यूएन से क्वेश्चन. तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि जो यूएनएस्को है उसको कौन से ईयर में जो है एस्टैब्लिश किया गया था. सो इसका जो आपका आंसर हो जाता है वो है 1945 में. इसके साथ ही आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी ले लो. यूनेस्को को जो हेडक्वार्टर है वो आपका हो जाता है पेरिस में, और जो इसकी एस्टैब्लिशमेंट था वो 1945 में लंदन में की गई थी. सो इसी टाइप से आपको अदर ऑर्गेनाइजेशन का भी एक टेबल बना लेना है. यूएन की एजेंसीज एक तरफ लिखनी है, देन उनका एस्टैब्लिशमेंट ईयर लिखना है, उनका सेक्रेटेरिएट या हेडक्वार्टर जो भी है वो कौन से देश में वो भी लिखना. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस ऑर्गेनाइजेशन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. सो इस टाइप का क्वेश्चन बनाने का जो मेरा मकसद था वो ये था कि मैंने जितने भी अब तक पेपर एनालिसिस करे हैं, चाहे वो यूजीसी नेट का किया है, जामिया का किया है, डीयू का किया है, जेएनयू का किया है, तो उन सब में मैंने एक कॉमन चीज़ पाई है कि ये लोग क्रोनोलॉजी हमेशा पूछते हैं. तो वो क्रोनोलॉजी का भी बुक्स को लेकर पूछते हैं कि किसी फेमस राइटर की कोई बुक्स है उनके पब्लिशिंग ईयर के अकॉर्डिंग आपको उनको ऑर्डर में लगाना होता है. तो कभी जो यूएन की एजेंसीज होती हैं उनसे पूछ लेती हैं, या फिर जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, आसियान हो गया, सार्क हो गया, ब्रिक्स हो गया, बिमस्टेक हो गया, तो इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस के जो है इस्टेब्लिशमेंट ईयर को ये लोग क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए देते हैं. सो इसीलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन आपके सामने रखा है कि इससे आपको पता चल जाए कि आप जब किसी ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ रहे हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ रहे हो या फिर यूएन की एजेंसीज को पढ़ रहे हो, किसी फेमस राइटर के फेमस बुक्स को पढ़ रहे हो, तो उनके जो एस्टैब्लिशमेंट ईयर होते हैं उन पे ज़रूर ध्यान देना. बिकॉज उनसे एमसीक्यू ज़रूर बनते हैं, और एमसीक्यू एक पैटर्न ही ऐसा है कि उसमें ज़्यादातर रोट लर्निंग पूछी जाती है. दुर्भाग्य की बात है बट मिसफॉर्चुनेट है, बट पूछी जाती है तो पूछी जाती है. अब आपको याद रखना ही पड़ेंगे. अगर आप एडमिशन लेना तो प्लीज़ उन क्वेश्चन के साथ आपको टैकल भी करना पड़ेगा. सो आपको एस्टैब्लिशमेंट ईयर पता होनी चाहिए. सो इसलिए मैंने इस टाइप का क्वेश्चन आपके लिए रखा है. सो आपको ब्रिक्स का डेवलपमेंट बैंक, IBSA, G7 और G20 के एस्टैब्लिशमेंट ईयर आपको बताने हैं. सो अब एक एक करके हम इनकी एस्टैब्लिशमेंट देखते जाते हैं. ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक, जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं उनका जो अपनी हेल्प के लिए एक डेवलपमेंट बैंक बनाया गया है, तो वो हो जाता है आपका 2014, और ब्राज़ील के अंदर इसकी जो है इस्टेब्लिशमेंट की गई थी. नेक्स्ट है आपका IBSA. आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के लिए 90% के लिए एक न्यू टाइप का वर्ड होगा कि IBSA क्या है. तो ये IBSA एक साउथ साउथ कॉपरेशन है, जिसमें जो इंडिया है उसने ब्राज़ील के साथ एक साउथ साउथ की जो कंट्रीज हैं उनका कॉपरेशन के लिए एक डायलॉग फोरम रखने के लिए उन्होंने एक टाइप का ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं बोल सकते इसको, एक डायलॉग फोरम रखा है ताकि वो जो है एक दूसरे के हेल्प से डेवलपमेंट कर सके. सो इसका जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ था वो भी ब्राज़ील में ही हुआ था 2003 के अंदर. सो ये एक नए टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये आपको याद रखना चाहिए. बिकॉज वो जो है बेसिकली ऐसी चीज़ें ढूंढते हैं जो काफ़ी कम बच्चों को पता हो. सो ये आपको आ सकती है, इसमें आपको ध्यान रखना है. G7 वेरी इजी क्वेश्चन, काफ़ी बार रिपीट हो चुका है. सो इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था आपका 1975 में. जन आपका आता है G20. सो G20 के अंदर प्लस G7, यानी कि G7 में जो 7 कंट्रीज़ हैं प्लस उनको लेकर जो बाकी कंट्रीज़ हैं उनको मिलाकर एक G20 का ग्रुप बनता है, जो बना था 1999 में. सो अब आपको देखना है इसके अकॉर्डिंग कि कौन सा सबसे पहले आएगा. तो सबसे पहले आएगा आपका थर्ड पॉइंट, तो जहाँ पे भी आपका थर्ड है वो आप देख लीजिए, दो जगह है. देन 75 के बाद आएगा आपका 99, यानी कि 4 आना चाहिए. तो आपका आंसर हो जाता है 1, 4, 3, 4, सेकेंड एंड फर्स्ट. सो इस टाइप से आपको क्रोनोलॉजी के लिए क्वेश्चन जो आते हैं वो मोस्टली बच्चे गलत करते हैं. सो आपको वो क्वेश्चंस गलत नहीं करने हैं जो मोस्टली बच्चे गलत करेंगे. बिकॉज इजी तो सभी क्वेश्चन करेंगे, लेकिन आपको उन क्वेश्चन में मार्क्स लेकर आने हैं जो बाकी स्टूडेंट्स गलत करेंगे, तभी आपका जो है सेलेक्ट होने का चांस जो है बढ़ जाते हैं. सो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग चाइनीज पॉलिसी ऑफ थ्योरी ऑफ पाम एंड फाइव फिंगर्स. सो अगर आपने फॉरेन रिलेशन में पढ़ा है, फॉरेन पॉलिसी में पढ़ा है, अगर आपने चाइना और इंडो के रिलेशनशिप को पढ़ा है, बिकॉज जब आप फॉरेन पॉलिसी पढ़ते हो इंडिया की तो उसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट रिलेशनशिप पढ़ने हैं, लाइक इंडिया पाकिस्तान का, इंडिया नेपाल का, इंडिया US, इंडिया चाइना, इंडिया रशिया. तो ये तो मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन हैं, आपको इनको पढ़ना ही पढ़ना है.
मैं अभी हो सका तो आगे और वीडियो लेकर आऊँगी रिलेशंस के अकॉर्डिंग, बिकॉज मैंने देखा यूट्यूब पे कि काफ़ी सारी वीडियोस तो हैं लेकिन सब में डिफरेंट टाइप से जो है इन्फॉर्मेशन बता रखी है। सो एज अ पॉइंट ऑफ व्यू, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको किस तरीके से इतनी इन्फॉर्मेशन लेनी है कि आपको रिलेशन किस टाइप से पढ़ना है, जैसे कि MCQ उनमें से फॉर्म हो, तो मैं उस टाइप की वीडियो लाने की कोशिश करूँगी। सो प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लेना ताकि आपको सारी की सारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रही हमारी आने वाली वीडियोस की। और इसके साथ ही मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि कल ही साउथ का एग्ज़ाम हुआ था, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी का। सो उसमें जो कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो ऑलरेडी मैं अपनी वीडियोस में कवर अप कर चुकी थी। सो यही फ़ायदा अगर आप इन वीडियोस को देखोगे तो उनमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं जो भी अभी हाल फिलहाल में एग्जाम हो रहे हैं, तो आप ही के लिए बेनिफिशियल है। तो इसे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। सो इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना है कि जो चाइना की जो पॉलिसी है, जो चाइना की फॉरन पॉलिसी हमारी नहीं, जो चाइना की फॉरन पॉलिसी है वो है थ्योरी ऑफ पाम एंड फाइव फिंगर्स, जिसमें ये किसने दी थी, माओ ने दी थी। तो उन्होंने बोला था कि ये हाथ है एक तरीके से पूरा का पूरा चाइना, जिसमें पाम है और फाइव फिंगर्स हैं, इनको मिलाकर पूरा एक मेनलैंड चाइना बनता है। तो उन फाइव फिंगर्स में वो कंट्रीज़ भी हैं जो अभी इंडिपेंडेंट हैं या फिर जिनका कुछ एरिया जो है इंडिया के पास है, इसका मतलब कि वो उनको हथियाना चाहता है, तभी तो उनकी फाइव फिंगर की पॉलिसी जो है कामयाब होगी। तो आपको बताना है इसमें से कौन कौन से उसके अंदर हैं। एक तरीके से देख सकते हो कि करंट अफेयर से भी कहीं ना कहीं रिलेट करता है, बिकॉज अभी जितना भी स्टैंड ऑफ चल रहा था चाइना के साथ, तो इन्होंने चाइना से क्वेश्चन इस बार ही आने के चांसेस हैं, बिकॉज जितने भी अभी हाल फिलहाल में चाइना के साथ हमारे इशू हुए हैं। सो इसका जो आंसर हो जाता है वो है आपका बी, यानी कि इट इंक्लूड्स अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम एंड लद्दाख। सो इनमें से तीन फिंगर तो ये हो गई, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और लद्दाख, जिसमें से अरुणाचल प्रदेश पे चाइना की सबसे ज़्यादा नज़र रहती है, और लद्दाख में तो आप देख सकते हो भी कितना बड़ा स्टैंड ऑफ हुआ था। सो उसके बाद जो हमारी दो कंट्रीज़ बचती है वो है आपकी भूटान और नेपाल। सो यानी कि जो माओ का जो कहना था वो है कि ये पांचों फिंगर मिला के एक बड़ा सा मेनलैंड चाइना बनता है, जो कि हिस्टोरिकली था। सो ऐसा हमारा नहीं मानना है, ऐसा किसी और का मानना नहीं है, ऐसा माओ ने कहा था कि हिस्टोरिकली चाइना इतना बड़ा था। तो ये सारे के सारे कंट्रीज़ को जो है, जो कंट्रीज़ भी हैं और जो कुछ एरिया जो इंडिया के पास है, वो इन पर जो है अपना कब्ज़ा जमाने की कोशिश करता रहता है हमेशा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज चाइना से अभी लेटेस्ट में काफ़ी सारे डिस्प्यूट हुए थे हमारे, तो चाइना से काफ़ी ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं इस बार क्वेश्चन आने के, बिकॉज ये आपके फॉरेन पॉलिसी का पार्ट हो जाता है। सो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन डाला था ताकि आप थोड़ा सा जो है करंट अफेयर्स पर भी टैब रखो। और अगर आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेते हो, वहाँ पे आपको करंट अफेयर्स भी भेजती रहती हूँ और आपको डेली के MCQ भी प्रैक्टिस करवाती हूँ, तो आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर लेना, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक मिल जाएगा ज्वाइनिंग का। सो बिना देरी करते हुए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच फॉर्म द फॉलोइंग इज़ द फुल टाइटल ऑफ द बुक रिटन बाई हंस जे मोरगेंथो। सो जैसे कि आप देख रहे हो कि हंस जे मोरगेंथो से मैंने कई सारे क्वेश्चन डाले हैं, बिकॉज ये काफ़ी 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंकर हैं, और यहाँ पे तो जितने स्टार हो सकते हैं उतने बना लो, बिकॉज जितने भी पेपर हैं उनमें हंस जे मोरगेंथो से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। सो इसके आंसर देखने से पहले अगर मैं इसके बारे में कुछ आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताऊँ, ये एक क्लासिकल रियलिज्म से बिलोंग करते हैं, जिनको फर्स्ट रियलिस्ट भी एक तरीके से माना जाता है IR का, बिकॉज ये इतने ज़्यादा रियलिस्ट थे कि ये सारी की सारी जो बातें करते थे सिर्फ रियलिस्ट के पर्सपेक्टिव से करते थे, जो कि मैंने आपको IR की थ्योरीज में ही पढ़ाया, पूरा का पूरा रियलिज्म आपको मैंने IR की थ्योरी में पढ़ाया है। तो यहाँ पे मैं उसको पूरा रिपीट करने वाली दोबारा से नहीं हूँ, वहाँ पे मैंने आपको रियलिज्म, न्यू रियलिज्म, उसके थिंकर्स वगैरह सब कुछ पढ़ाया था। सो अगर आपने नहीं देखे वीडियोस आके तो ज़रूर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो, वहाँ पे IR की थ्योरीज करके वीडियो मिल जाएगी आपको। तीन वीडियो मैंने अपनी सारी की सारी जो है IR की थ्योरीज को कवर किया है, जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं। सो आपको बताना है कि जो मैंने आपको भी प्रीवियस क्वेश्चंस में बताया कि जो हंस जे मोरगेंथो ने 6 प्रिंसिपल दिए थे रियलिस्ट के इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए, तो वो उन्होंने किस बुक में दिए थे। अब यहाँ पे एक ट्रिकी क्वेश्चन ये बनता है कि सारे बच्चों को ये पता है कि उन्होंने दिए पॉलिटिक्स अमंग नेशंस में, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको इसीलिए डाला है बिकॉज इसी तरीके से जो है NT आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। मोस्टली बच्चे जो हैं, आप मेरे से लिखवा लो, 90% बच्चे यही लगाते अगर ये क्वेश्चन आता पॉलिटिक्स अमंग नेशंस, बिकॉज ये बुक एक तरीके से छोटा टाइटल सबको याद रहता है, लेकिन आप जब भी ये बुक पढ़ो तो प्लीज़ उनका फुल नेम पढ़ना, बिकॉज इस बार मैंने देखा है कि काफ़ी सालों से ये ट्रेंड नया एक तरीके से आ रहा है, जहाँ पे वो आपसे फुल जो है नेम पूछ लेते हैं। काफ़ी सारे बुक मैंने देखे, जैसे कि मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट की जो बुक थी वो भी उन्होंने UGC नेट पे पूछ रखी थी लास्ट ईयर ही कि उसका फुल नेम क्या है, तो आपको फुल नेम पे ध्यान देना है। सो इसका जो फुल नेम था वो भी अगर किसी को पता है तो भी उन्होंने कन्फ्यूज़ करने के लिए दो ऑप्शन दे दिया, यानी कि 3 और 4। 3 है आपका पॉलिटिक्स अमंग नेशंस, द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस,
एंड फोर्थ है आपका पॉलिटिक्स अमंग नेशंस द स्ट्रगल फॉर पीस एंड पावर. जस्ट दो वर्ड को उन्होंने स्विच कर दिया है. सो इसका जो राइट आंसर है वो है 3, पॉलिटिक्स अमंग नेशंस द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस. सो ये काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी इसलिए हो जाता है बिकॉज बच्चे जो है पूरा का पूरा नाम याद नहीं रखते हैं या फिर देखते ही नहीं है. सो अगर आपने कहीं एक बार भी देखा है तो हो सकता है कि आप क्वेश्चन को सही मार्क कर लो. तो आगे से आप जब भी पढ़ना तो आप प्लीज़ पूरा का पूरा नाम पढ़ना हर एक बुक का. सो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म फ्लाइंग बीस गॉट एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएशंस. ये वाला क्वेश्चन मैंने UGC नेट से ही लिया है बिकॉज ये क्वेश्चन आ रखा है और UGC नेट से मेरे क्वेश्चन लेने का जो फ़ायदा है वो यही है कि जो NTA है वो काफ़ी सारे क्वेश्चन जस्ट कॉपी पेस्ट कर देती है UGC नेट के एग्जाम से. सो हो सकता है इनमें से जो क्वेश्चन है कुछ आपके एज इट इज़ विद ऑप्शन आपको सेम का सेम देखने को मिल जाए, तो ऐसे में आपको मेरी वीडियो जो है काफ़ी हेल्प करने वाली है. सो इन सबको ऑप्शन देखने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि फ्लाइंग बीस का मतलब क्या है. फ्लाइंग बीस इनको इसलिए बोला गया है कि ये इतनी तेज पेस से इतनी ज़्यादा अच्छी पेस के साथ जो है डेवलपमेंट करते जा रहे हैं. तो आपको बताना है इनमें से वो कौन सी है. ऑब्वियसली सार्क नहीं हो सकती बिकॉज सार्क में तो मोस्टली साउथ की वो वाली कंट्रीज़ आती हैं जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, लाइक पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, इंडिया हो गया, है ना, इस टाइप की जो कंट्रीज़ हैं. तो इनको तो अभी फ्लाइंग बीस नहीं कहा जा सकता बिकॉज ये डेवलपिंग फेज़ में है. उसके बाद आते हैं शंघाई कॉरपोरेशन, उसमें भी काफ़ी सारी इस्लामिक ऐसी कंट्रीज़ हैं जो भी काफ़ी सारे डेवलप नहीं हैं, उज़्बेकिस्तान वगैरह. देन आपका आता है ब्रिक्स, तो ब्रिक्स तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, इसमें ब्राज़ील वगैरह हैं. तो ये तो काफ़ी ज़्यादा लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ हैं अभी, मतलब इतने ज़्यादा लेवल के डेवलप नहीं है कि इनको फ्लाइंग बीस कहा जाए. तो इसका जो आंसर हो जाता है वो है आपका आसियान, बिकॉज आसियान में कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं लाइक सिंगापुर वगैरह जो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ जो है डेवलपमेंट करती जा रही हैं. तो इसलिए इनको नाम दिया गया है आसियान कंट्रीज़ को फ्लाइंग बीस. सो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही. सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. अगर आपने हमें टेलीग्राम पे अब तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर से ज्वाइन कर लेना. आपको एजुके अब वहाँ पे टाइप करोगे तो आपको मिल जाएगा, या फिर आपको ज्वाइनिंग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा. वहाँ पे मैं आपको MCQ डेली के करंट अफेयर जो है करवाती रहती हूँ. सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, और अपनी तैयारी को ज़ोर शोर से चलाते रहिए हमारे साथ बिकॉज हम आपकी तैयारी में इसी तरीके से आपकी हेल्प करते रहेंगे. सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर.